सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट टेक इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्ज्वल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक इन्फो में। दोस्तों आज हम कुछ नया देख रहे हैं। जी हाँ, मोबाइल रिलेटेड तो नहीं होगा बट जी हाँ, मोबाइल का ही सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है तो वही होगा। तो दोस्तों आप सभी बहुत बार आप सॉकेट ढूंढते हो। जी हाँ, किस लिए? रिचार्ज, मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट ढूंढते हो बट सॉकेट आपको मिल नहीं पाता है। आप कहीं भटकते हो, चाहे फिर वो ऑफिस में हो या घर पर हो या कहीं ट्रेन में हो या कहीं पर भी आप जर्नी कर रहे हो, वहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? पहले सॉकेट ढूंढते हैं चार्जर के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए। बट अभी ये आपको दिक्कत नहीं रहेगी। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि भाई ये दिक्कत क्यों नहीं रहेगी, चार्ज मोबाइल तो कितना ही भारी हो चार्जर तो लगता ही लगता है। बट जी हाँ, कोरिया के एक एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंस्टॉल किया है। जी हाँ, इन्वेंट किया है। वो टेक्नोलॉजी का नाम है WPT, वायरलेस पावर ट्रांसफ़र। जी हाँ, वायरलेस पावर ट्रांसमीटर, ये जो है एक अपने आप में एक जैसे कि वाईफाई डिवाइस काम करता है। जस्ट लाइक आपको कहीं पर भी आप मोबाइल ले जाओ वाईफाई के नेटवर्क में, वहाँ पर आपको क्या मिलता है? वाईफाई अगर से आप रेंज में हो तो इंटरनेट आपको मिल जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, आपको अगर से आप इसके रेंज में हो, ये WPT के जो डिवाइस है उसके रेंज में आप हो, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? कुछ नोटिक समझाता हूँ। तो जैसे ही ये WPT आप लगाओगे, समझ रहे, वायरलेस पावर ट्रांसमीटर, जैसे ही आप ये कहीं पर भी एक सॉकेट में लगा दोगे, तो ये फिलहाल तो आधे मीटर के रेंज में आप मोबाइल कहीं पर भी रखिए। जी हाँ, सिर्फ आधे मीटर के रेंज में आप डिवाइस, आपका मोबाइल कहीं पर भी किस तरह से भी उल्टा सीधा या कहीं पर भी रखिए, ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। जी हाँ, और ये इन्वेंट किया है कोरिया के एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसमें रिंग एक टीम है वहाँ पर। वो टीम ने कंफर्म किया है कि यह किस तरह से काम करता है और उन्होंने ये भी चेक किया है कि इससे कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होगा। जी हाँ, तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये क्या काम करेगा, जैसा ही ये रेंज में आप मोबाइल, आपका मोबाइल आएगा, वो चार्ज स्टार्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने वायरलेस चार्जर देखा था बट वो कैसा था? आपको आपके डिवाइस को, आपके मोबाइल को वो वायरलेस चार्जर के डिवाइस पर आपको रखना था, तब जाकर आपका जो डिवाइस था या मोबाइल था वो चार्ज हो पाता। बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका मोबाइल सिर्फ वो जैसा वाईफाई के रेंज में आते ही आपको इंटरनेट मिल जाता है, वैसे आपका मोबाइल वो WPT डिवाइस के रेंज में आते ही बिना किसी वायर या बिना कहीं पर रखे, बिना कुछ भी लगाए, आपका मोबाइल चार्ज होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। एक बहुत बड़ी टेंशन, बहुत बड़ी दिक्कत, ये बहुत बड़ी जो तकलीफ होती थी पावर यूजर्स को, खासकर जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते थे उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। आफ्टरऑल सभी के लिए ही है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए है। तो कोरिया के ये जो इंस्टीट्यूट, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो इन्वेंट किया है, उसे उसके अंदर जो टीम था, एक रिम नाम की टीम है, उन्होंने कंफर्म किया है कि इस जो डिवाइस से कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होगा। जी हाँ, वो भी उन्होंने चेक किया है और कहा है कि नो एनी हेल्थ इश्यूज व्हाइल यूजिंग दिस डिवाइस WPT। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर से आपको चार्ज हो रहा है आपका डिवाइस कहीं से भी, तो उसके व्यूज कहीं तो आ रहा है और आपके बॉडी को लग रहा है और हेल्थ इशू होगा, बट ऐसा कोई भी बात या कोई भी ऐसी इशू नहीं होगी दोस्तों। ऐसा कंफर्म किया गया है कंपनी द्वारा, रिंग टीम द्वारा, जो कोरिया की टीम है। जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये मुझे पसंद आई इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बनाना सोचा और मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया खासकर ओरिजिनल वायरलेस चार्जर के लिए। जी हाँ, हम लोग कहते हैं वायरलेस चार्जर, वायरलेस चार्जर, एक्चुअली वो वायरलेस चार्जर नहीं होता है, सिर्फ एक डिवाइस होता है, वहाँ पर आपको मोबाइल रखना है, सिर्फ प्लग इन नहीं करना है और वो वायरलेस चार्जर कहा जाता है। बट अगेन यहाँ पर इससे भी कुछ ऊपर कोरिया ने किया है, आपको कहीं डिवाइस पर रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल आप कहीं पर भी रखिए हाफ मीटर के रेंज में। फिलहाल ये हाफ मीटर है, ये रेंज काफ़ी बाद में बढ़ जाएगा दोस्तों, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप सिर्फ जैसे ही मोबाइल लेकर एक रूम में आप जाओगे जहाँ पर WPT लगा हुआ है, बस ऑटोमेटिकली बूम,
आपका डिवाइस चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको पसंद आया। तो जी हाँ, ज़रूर एक कमेंट तो बनता ही है, और कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगा ये जो मेंशन किया गया है कोरिया की टीम द्वारा, तो आपको कैसा लगा और ये जो WPD डिवाइस है उसकी क्या कीमत हो सकती है। जी हाँ, मुझे बताइए कमेंट में कि ये WPD वायरलेस जो मैंने आपको बताया अभी जो कोरिया ने इन्वेंट किया है उसकी कीमत क्या होगी, मार्केट में जैसे लॉन्च होगा तब उसकी कीमत क्या होगी। तो वेट करूँगा मैं आपके कमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।